जेल्रु दिल्ली मुख्यमंत्री बार्ता कहिले मो ना अरविंद केजरीवाल मु आतंकवादी नुहे। बहुचर्चित मद दुर्नीति मामलें जेल्रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आश्वस्ति पाइबा बदल गोटे परे गोटे झटका मिलुछि। कोर्ट बारंबार आवेदन खारज करिया परे निराश होई पड़िथिबा केजरीवाल एबे जेल्रु रही बार्ता पठाइछथि। एही बार्ता को सांबादिक सम्मेलन करि प्रकाश करिछथि आप्र नेता संजय सिंह। दिल्ली मुख्यमंत्री कहिछथि मो ना अरविंद केजरीवाल मु आतंकवादी नुहे। बेटे भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं आतंकवादियों जैसा? आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में, इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जिनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। संजय कहिछति जेल दिल्ली मुख्यमंत्री आतंकवादी पर व्यवहार कर परिवार, संपर्कीय और दलय कर्मी गले सठिक भाव साक्षात करने को अनुमति मिलूनी। सेपटे सोमवार केजरीवाल को जेल्रु भेटा पर कड़ा प्रतिक्रिया रखि आप नेता तथा पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान। मान कही 24 घंटिया सीसीटीवी नजर रही केजरीवाल, ताकू हताश कर अपमान दिया जाउची। एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब इससे पहले चिदंबरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1-to-1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है, मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे, उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। संजय और भगवत मान को अभियोग पर प्रतिक्रिया रखी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव। बीजेपी नेता कहते तिहार जेल दिल्ली सरकार को अधीन आसे, सरकार जो नियम साधारण अभियुक्त से नियम मुख्यमंत्री और समस्त अभियुक्त को लागू होप कौन पर प्रश्न उठाऊ परस्पर दोष को लुचेवाक आप नेता मंत्री एभली अभोग आणुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। संजय सिंह खुद लंबे समय तक जेल में रहकर आए हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली सरकार के 2018 के जेल मैनुअल रूल नंबर 602 के अनुसार इस तरह के कैदियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वही अरविंद केजरीवाल को दी गई हैं। ये नियम अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाए, हमने तो बनाए नहीं, और जो नियम बनाएगा उसका नियम का पालन उन कैदियों को करना है, तो अरविंद केजरीवाल भी कैदी हैं, आरोपी हैं, तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामलें दिनकु दिन केजरीवाल का समस्या बढ़ुची। सेपटे ईडी रिमांड और गिरफ्तारी को विरोध कर दिल्ली मुख्यमंत्री तुरंत शुणी जो आवेदन करते कोर्ट खारज कर।
सोमवार शुणाणी करी आवेदन खारज करने सह ईडी और केजरीवाल सतैश तारीख सुधा जवाब मागिच अंतरीश परवर्ती शुणाणी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनेक्ट न्यूज़।